हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर विनोद एंड यू आर वॉचिंग यूट्यूब चैनल वी एस के ईजी फिजिक्स. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व इम्पॉर्टेंट एम सी क्यूज रिलेटेड विद द टॉपिक मोशनल ई एम एफ मीन्स मोशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन डायनामिक ई एम एफ. वी विल ट्राई टू कवर ओनली दोज क्वेश्चन विच ऑलरेडी आस्क इन डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट वन बाय वन. First question, a conducting rod of length L is following with a velocity V perpendicular to a uniform horizontal magnetic field B. The potential difference between its two ends will be. There are four options are given. ये बहुत ही basic है और यहाँ से हमें एक formula मिलेगा जो motional EMF को होगा. Okay, so situation क्या है देखिए. A conducting rod of length L is following with a velocity V. Okay, so let us try to understand this situation. The situation is like this one. This is that rod having length L. इसका length हम कहाँ से मेजर करेंगे? इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक. Okay, so इसका length कितना है? L. It is given. The length of the rod is L. It is given. ओके, तो यहाँ पे हमने एक सर्किट ड्रॉ किया है. सो दिस इज अ रजिस्टर हैविंग रजिस्टेंस आर. ओके, सो दिस रॉड इज मूविंग और फॉलोइंग विथ वेलोसिटी वी इन दिस डायरेक्शन. लेट अस इमेजिन दैट दिस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विथ वेलोसिटी वी. ओके, तो डेफिनेटली कुछ समय बाद ये रॉड कहाँ पे होगा? कुछ समय बाद ये रॉड हो सकता है यहाँ पे होगा. लेट अस इमेजिन दैट आफ्टर time small t, after time small t, the rod is shifted from this point to this point. Okay, so rod ne kitna distance cover kiya hai? Let us consider this is that distance which is represented by small d. To us rod ne t itne time interval mein jab wo move kar raha hai with velocity v to itna distance travel kiya hai. देखिए यहाँ पे तीन चीज़ें आ रही है. फर्स्ट वन इज अ रॉड इज मूविंग विथ वेलोसिटी वी इन टाइम इंटरवल टी इट कवर अ डिस्टेंस डी. सो डिस्टेंस वेलोसिटी एंड टाइम इन तीनों में एक रिलेशन हमें पता है. दैट रिलेशन इज नथिंग बट द वी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन वी कैन राइट हियर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वी इन टू टी. ओके, सो इन टाइम इंटरवल डी सॉरी इन टाइम इंटरवल टी द रॉड ट्रैवल अ डिस्टेंस डी. ओके, नाउ व्हेन वी आर मूविंग दिस रॉड ओके इन दैट एरिया इन विच ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड इज देयर. ओके, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड? इट इज परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ दिस रॉड. सो लेट अस इमेजिन दैट दिस इन दिस रीजन द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन ऑफ पेपर. जो भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर. ओके, और उसकी वैल्यू कितना है? उसकी वैल्यू है बी. बी इज अ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, सो अब इस सर्किट को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इस सर्किट में इस सर्किट का एरिया चेंज हो रहा है व्हेन वी शिफ्ट दिस रॉड. ओके, तो उसका एरिया पहले इतना ही था. जब हम शिफ्ट कर चुके हैं टी इतने इंटरवल में तो उसका एरिया बढ़ के इतना हो चुका है. ओके, अब अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में एक सर्किट है उस सर्किट का अगर एरिया चेंज हो रहा है तो उसके एसोसिएटेड जो भी फ्लक्स होगा वो फ्लक्स आल्सो चेंजेस. अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पर EMF इंड्यूस होगा. ओके, मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है और हम इस कॉइल का एरिया चेंज कर रहे हैं बाय शिफ्टिंग दिस रॉड हुज लेंथ इज अ एल. जब इस रॉड को हम शिफ्ट कर रहे हैं तो इनिशियल एरिया उसका इतना था, अब उसका एरिया बढ़ के इतना हो चुका है इतने टाइम इंटरवल में. ओके, तो देयरफॉर यहाँ पे एरिया चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में. अगर उस कॉइल का एरिया चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दैट कॉइल और विद दैट सर्किट आल्सो चेंजेस. तो फ्लक्स कितना होगा? तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमें पता है. फ्लक्स इज इक्वल्स टू फाई इज इक्वल्स टू बी इंटू ए
ओके सो यहाँ पे परपेंडिकुलर है इस एरिया को मैग्नेटिक फील्ड, तो हम डायरेक्टली बी इंटू ए लेंगे यहाँ पे. ओके सो देयरफॉर टोटल चेंज इन फ्लक्स, अब फ्लक्स कितना चेंज हो रहा, क्योंकि एरिया चेंज हो रहा है तो फ्लक्स डेफिनेटली चेंज होगा. अब कितना एरिया चेंज हो रहा है वो हम फाइंड आउट करते हैं. तो चेंज इन एरिया ए इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय डी. सो इसका लेंथ है एल और इसका डिस्टेंस है डी, तो इतना एरिया चेंज हो रहा है वहाँ पे. ओके सो इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, एल इंटू डी की वैल्यू कितना है, वी इंटू टी, वी इंटू टी. सो एरिया इज इक्वल्स टू एल वी t, where v is a velocity, t is a time interval and l is nothing but the length. So हमें find out करना है potential difference, means induced EMF. अब induced EMF कितना होगा, so induced EMF it is equals to, it is represented by small e, induced EMF is equals to d phi by dt, change in flux with respect to time. So this can be written as, कितना flux change हो रहा है, area इतना change हो रहा है, magnetic field इतना है, तो हम यहाँ पर simply substitute कर देते हैं B into change in area. So यहाँ पर हम change in area ले सकते हैं, change in area it is equals to L V T, और time interval कितना है, it is a T. Okay, so this is the change in flux due to the change in area, क्योंकि magnetic field की value उस region में constant है, और दिस इज द टाइम इंटरवल. सो बाय कैंसलिंग दिस टी टी, द फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू बी एल वी. सो ये आपको याद रखना है, ड्यूरिंग मोशन ऑफ दिस रॉड हैविंग द लेंथ एल, व्हेन इट इज मूविंग विद वेलोसिटी वी, द ईएमएफ इंड्यूस इट इज इक्वल्स टू बी एल वी, वेर बी इज अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू इट्स मोशन, सॉरी perpendicular to its velocity of motion of that rod. So correct answer is B option. Next question, a 2 meter wire is moving with a velocity of 1 meter per second perpendicular to a magnetic field of 0.5 Weber per meter square. The EMF induced in it will be 0.5 volt, 0.1 volt, 1 volt or 2 volt. So which one is the correct answer? In last formula, we already solved this type of problem and we got one formula. The formula of induced EMF is equals to E is equals to B L V, where B is a induced magnetic field, sorry, B is a magnetic field, L is the length of that rod and V is a velocity. But in that formula, when we derive that formula, already remember that V is a velocity which is perpendicular to B. जो भी rod move हो रहा है वहाँ पे, it is perpendicular to B. It should be perpendicular to B. तो अब यहाँ पे भी same situation है, क्योंकि एक rod है, there is a one rod which is moving, or there is a one wire which is moving, okay, having the length 2 meter. So therefore L is equals to 2 meter with velocity 1 meter per second. So velocity is given, which is equals to 1 meter per second, and it is perpendicular, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, perpendicular to a magnetic field. यानी velocity का direction कैसा होना चाहिए, perpendicular to a magnetic field of value 0.5 Weber per meter square. So magnetic field also given, which is equals to 0.5 Weber per meter square. Okay, so substitute these all values in this equation or formula, we will get EMF. So induced EMF is equals to B, value of B is 0.5, L is 2 meter multiplied by this one is a 1 meter per second. So this is equals to, when we solve this, it will become 1 volt. So induced EMF is equals to 1 volt. The correct answer is C option. Next question. The magnetic induction in the region between the pole faces of
एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज 0.7 वेबर पर मीटर स्क्वायर. ओके, सो व्हाट इज गिवन वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन, बी इज गिवन विच इज इक्वल्स टू 0.7 वेबर पर मीटर स्क्वायर. ओके, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ स्ट्रेट कंडक्टर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग perpendicular to B and moving perpendicular to both the magnetic induction and its own length with a velocity 2 meter per second is. Okay, so what is given again? It's a length is given, length which is equals to 10 centimeters given. We have to convert it in a meter. So 10 multiplied by 10 raised to power minus 2 meter. Okay, and velocity is given which is equals to 2 meter per second. Okay, so now we are going to use formula of induced EMF which we already use. So E is equals to, induced EMF is equals to BLV. ओके, बी की वैल्यू कितना है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितना है, क्योंकि जो कंडीशन हमें चाहिए था कि मैग्नेटिक फील्ड उस रॉड के मोशन को परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो यहाँ पे है. ओके, सो बी की वैल्यू है 0.7 वेबर पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एल लेंथ, इट्स 10 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2. ओके, दिस इज इक्वल्स टू, व्हेन वी सॉल्व दिस वन, आफ्टर सॉल्विंग ये 1.4 होगा. ओके, और उसके बाद ये सॉल्व करने के बाद 0.14 वोल्ट. सो ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू 0.14 वोल्ट. दिस इज द करेक्ट आंसर. सॉरी, विच वन इज अ, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंडक्टिंग स्क्वायर लूप ऑफ साइड एल एंड रेजिस्टेंस आर मूव्स इन इट्स प्लेन विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी परपेंडिकुलर टू वन ऑफ इट्स साइड. ओके, सो देखिए, एक कंडक्टिंग स्क्वायर लूप है लाइक दिस वन ऑफ साइड एल एंड रेजिस्टेंस आर. इस लूप जो भी हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर लूप, इसका साइड की वैल्यू है एल और इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू है आर. ओके, मूव्स इन इट्स प्लेन, यानी जिस प्लेन में अभी है उसी प्लेन में वो मूव कर रहा है, उसी प्लेन में वो मूव कर रहा है. ओके, ना तो ये आगे आने वाला है ना तो पीछे जाने वाला है, जस्ट इट इज मूविंग लाइक दिस वन, उसी प्लेन में जिस प्लेन में ये है. विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी परपेंडिकुलर टू वन ऑफ इट्स साइड, लेट्स इमेजिन दैट साइड इज दिस वन, ये वो साइड है. ओके, और इस साइड को वो परपेंडिकुलर मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी वी. ओके, इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. ओके, इन इट्स ओन प्लेन. नेक्स्ट वन, अ मैग्नेटिक इंडक्शन बी कॉन्स्टेंट इन टाइम एंड स्पेस पॉइंटिंग परपेंडिकुलर एंड इन टू प्लेन ऑफ द लूप एग्जिस्ट एल्सवेयर एवरीवेयर. द करंट इंड्यूस इन द लूप इज, वेरी गुड क्वेश्चन. ओके, सो यहाँ पे देखिए, एक मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं जो परपेंडिकुलर है इस पूरे एरिया को, सॉरी प्लेन को. ओके, सो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे दिखाते हैं आपको पता है, बैकवर्ड से. सो इस प्लेन ऑफ पेपर को वो कैसा है, परपेंडिकुलर है. ओके, मैग्नेटिक फील्ड, और इसकी वैल्यू कितना है, बी. अब देखिए, हर जगह पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, जब हम इस रॉड को मूव करेंगे. ओके, यहाँ पे क्या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगा, नहीं. क्या एरिया की वैल्यू चेंज होगा, नहीं, दोनों वैल्यू कांस्टेंट रहने वाला है. अब इस रॉड के साथ जो भी फ्लक्स एसोसिएटेड है, दैट फ्लक्स कैन बी रिटन एज फाई इज इक्वल्स टू बी इंटू ए, क्योंकि दोनों एक को कैसे है, परपेंडिकुलर है. अब जैसे जैसे टाइम पास होगा, जैसा जैसे हम इसको मूव कर रहे हैं इसके मोशन के वक्त, ओके, तो इसके साथ जो भी फ्लक्स लिंक है, क्या वो फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रहा है, आंसर इज दैट नो. क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फिक्स है. ओके, इसको कहीं पे भी मूव कीजिए आप विथ वेलोसिटी वी, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे कॉन्स्टेंट है, वो कैसा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. और सेकेंडली, उस
स्क्वायर का लेंथ फिक्स है, उसका एरिया फिक्स है, यहाँ पे एरिया फिक्स है, तो एरिया चेंज नहीं हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो न तो बी चेंज हो रहा है, न तो ए चेंज हो रहा है, इट मीन्स दैट फ्लक्स रिमेन्स सेम। तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फ्लक्स डज नॉट चेंजेस। इट मीन्स दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसका फार्मूला होता है डी फाई बाय डी टी, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितना होना चाहिए जीरो। तो करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एरोप्लेन इन विच द डिस्टेंस बिटवीन द टिप्स ऑफ विंग्स इज 50 मीटर इज फ्लाइंग हॉरिजेंटली विद अ स्पीड ऑफ 360 किलोमीटर पर आवर और अ प्लेस वेयर द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 2×10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टिप्स ऑफ विंग्स वुड बी, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इस टाइप के प्रॉब्लम्स एक तो एरोप्लेन पे पूछे जाते हैं ना, आइदर ट्रेन के रिलेटेड पूछे जाते हैं। ओके, जब ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा है तो वो एक ट्रैक पे मूव होगा, तो उसके दो व्हील्स कुछ कनेक्ट करने वाला जो भी एक्सिस होता है, एक्सल, तो उस एक्सल के रिलेटेड भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेम इसी तरह। तो दोनों को हम इसी तरह के सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, एन एरोप्लेन इन विच द डिस्टेंस बिटवीन द टिप्स ऑफ विंग इज 50 मीटर और जो भी विंग्स है इट इज मेड ऑफ प्लेट मेटल्स कंडक्टिंग। ओके, सो देयरफॉर वहाँ पे ईएमएफ इन दिस होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए वो मूव हो रहा है, एरोप्लेन जब मूव होगा तो वो मूव हो रहा है विद अ वेलोसिटी वी, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से, और ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड यानी वर्टिकल कंपोनेंट जो भी है उसको परपेंडिकुलर होगा। तो इसलिए हम वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो क्या क्या दिया है, सबसे पहले वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। एन एरोप्लेन इन विच द डिस्टेंस बिटवीन द टिप्स ऑफ द विंग इज 50 मीटर, सो एल इज गिवन विच इज इक्वल्स टू 50 मीटर, फ्लाइंग हॉरिजॉन्टल विद द स्पीड ऑफ 360 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो 360 किलोमीटर पर आवर है और फॉर्मूला में हमें यूज करना है मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे इसको यूज कर वेलोसिटी इट इज इसको कन्वर्ट कर लेंगे 360 किलोमीटर पर आवर, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, इट्स 360 किलोमीटर का कितना आएगा 1000 और आवर को अगर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 60 × 60 इट्स 3600 दिस इज इक्वल्स टू 100। जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये कितना आएगा 100, सो 100 मीटर पर सेकंड, ये वैल्यू होगा वेलोसिटी का। अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितना दिया है, इट इज गिवन 2×10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला, ईएमएफ इंड्यूस और इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल्स टू बी एल वी, इट इज इक्वल्स टू बी की वैल्यू है 2×10⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाय एल की वैल्यू कितना है 50 मीटर मल्टीप्लाइड बाय वी की वैल्यू कितना है 100। ओके, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगा, इट इज इक्वल्स टू ये 100 होगा, 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 इट्स अ 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴ इट बिकम अ 1 और यूनिट क्या होगा वोल्ट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ वायर लूप इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंजेस वंस इन ईच। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन और बहुत सिंपल है। जो भी फ्लक्स होता है ना, द फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, अगर आपको याद है, अगर जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड उस कॉइल के प्लेन को परपेंडिकुलर अगर नहीं है तो हम वहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करते हैं, वेयर ए इज अ मैग्नेटिक, सॉरी ए इज अ एरिया ऑफ दैट लूप, बी इज अ मैग्नेटिक फील्ड,
और थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब जब आप उस लूप को रोटेट कर रहे हो, उस लूप को जब हम रोटेट करेंगे तो डेफिनेटली थीटा चेंजेस फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री हाफ रोटेशन में, और 180 डिग्री टू अगेन 360 डिग्री। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें थीटा की वैल्यू 0 से 1 तक चेंज हो रहा है, कॉस थीटा की वैल्यू 0 से 1 तक चेंज हो रहा है, ओके, और 1 से 0 तक चेंज हो रहा है जब हम पूरा 360 डिग्री रोटेट कर रहे हैं। तो इसके वजह से यहाँ पे देखिए, व्हेन अ वायर लूप इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंजेस वंस इन ईच। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन होगा, तो वो चेंज हो रहा है। तो 360 में यानी हाफ रिवॉल्यूशन जब कंप्लीट कर रहे हैं, यानी 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक, उस वक्त उसका एक उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सो दिस बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रेल्स ऑफ अ रेलवे ट्रैक इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड द ग्राउंड आर कनेक्टेड टू अ मिली वोल्टमीटर, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर व्हेन अ ट्रेन ट्रेवल्स विद अ स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर अलॉन्ग द ट्रैक। Given that the vertical component of Earth's magnetic field is 0.2 into 10 to the minus 4 Weber per meter square and the rails are separated by 1 meter. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसके पहले हमने एरोप्लेन का सॉल्व किया था, उसी तरह आपको इसको सॉल्व करना है, ओके? तो देखिए क्या क्या दिया है, स्पीड उसका दिया है 180 किलोमीटर पर आवर, इसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, जो कि 50 हो जाएगा। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दिया है 0.2 इंटू 10 पावर माइनस 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे एल की वैल्यू दिया है 1 मीटर, विच इज द डिस्टेंस बिटवीन ट्रैक, ओके? सो जब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ई इज इक्वल्स टू बी एल वी, तो हम सभी वैल्यू सब्ट्यूट करने के बाद यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हमें मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 10 मीटर वायर केप्ट इन ईस्ट वेस्ट फॉलोइंग विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड परपेंडिकुलर टू द फील्ड 0.3 इंटू 10 पावर माइनस 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। The induced EMF across the terminal will be, बहुत ही सिंपल है, वही फॉर्मूला में यूज करना है, ओके? इसको आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लेयर विथ 3 मीटर लॉन्ग आयरन रॉड रन्स टूवर्ड्स ईस्ट विथ अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज 4 × 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर। If he is running with rod in horizontal and vertical positions, then the potential difference induced between the two ends of the rod in two cases will be, very good question and conceptual, 101% conceptual. Okay, options dekh lete hai pehle. Option A, 0 in vertical position and something in horizontal position. Ye nahi ho sakta hai. ओके, क्यों नहीं हो सकता है? देखते हैं। सेकंड ऑप्शन, समथिंग इन वर्टिकल पोजीशन एंड 0 इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ये हो सकता है। नेक्स्ट वन, 0 इन बोथ केसेस, ये नहीं हो सकता। 1 × 10⁻³ वोल्ट इन बोथ केसेस, ये भी नहीं हो सकता है। डेफिनेटली ऑप्शन बी है। क्यों ऑप्शन बी है, हमने यहाँ पे तो कुछ सॉल्व नहीं किया, फिर भी हम यहाँ पे बता रहे ऑप्शन बी है, क्योंकि बाकी तीनों यहाँ पे नहीं हो सकते। ऑप्शन ए नहीं हो सकता, सी हो नहीं हो सकता, और डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब क्यों बी हो सकता है, क्यों ए सी और डी नहीं हो सकता है? देखिए यहाँ पे सिचुएशन कैसा है, जो भी प्लेयर है वो 3 मीटर लॉन्ग रॉड को, ओके, हॉरिजॉन्टल पोजिशन में लेके जा रहा है। उस रॉड को कैसे रखा है उसने, हॉरिजेंटल पोजीशन पे, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, हॉरिजेंटल है। दोनों का डायरेक्शन सेम होने की वजह से, ओके, यहां पे
ईएमएफ की वैल्यू कितना होगा? जीरो होगा। ईएमएफ की वैल्यू कितना होगा? जीरो होगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन कैसा है? सेम है। लेकिन वर्टिकल जब पोजिशन में हम उसको लेके जाएंगे, ओके, उस रॉड को अगर वो प्लेयर वर्टिकल पोजिशन में लेके जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? हॉरिजेंटल पोजिशन में, क्या उस रॉड का मोशन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को परपेंडिकुलर है? द आंसर इज यस। इस केस में वर्टिकल पोजिशन में डेफिनेटली वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब वो कितना होगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे बाय फॉर्मूला ई इज इक्वल्स टू बी एल वी, इस फॉर्मूले से। तो यहाँ पे जब हम ओरिजेंटल पोजीशन में लेके जाएंगे तो डेफिनेटली ईएमएफ की वैल्यू जीरो होगा, जो यहाँ पे नहीं बताया उन्होंने। ओरिजेंटल पोजीशन में उसकी वैल्यू दिया है इतना, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। क्या दोनों केसेस में जीरो होगा? नहीं। क्या दोनों केसेस में इतना होगा? नहीं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। आप इस फॉर्मूला का यूज करके ये सभी वैल्यू सेपरेट करके इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट वन। अ लॉन्ग हॉरिजेंटल मेटेलिक रॉड विथ लेंथ अलॉन्ग द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन इज फॉलोइंग अंडर ग्रेविटी। ओके, जो भी यहाँ पे डायरेक्शन दिया है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और उस रॉड का मोशन ये कैसा है? परपेंडिकुलर है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू एंड्स विल। ओके, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे उस रॉड का मोशन, इट इज फ्री फॉल, वो अंडर ग्रेविटी फॉल हो रहा है, तो डेफिनेटली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसकी वेलोसिटी क्या होना चाहिए? पढ़ना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ दैट रॉड इट इज इक्वल्स टू जी इंटू टी, वेयर जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड टी इज टाइम। जैसे जैसे टाइम पास होगा वैसे वैसे वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ेगा। और यहाँ पे हमें चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स, यानी ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ is equals to BLV. This is the formula. Okay? अब यहाँ पे देखिए उस रॉड का लेंथ सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, लेकिन सिर्फ वेलोसिटी चेंज हो रहा है, यानी E is proportional to V. जितना ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ेगा उतना ज़्यादा EMF बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा EMF बढ़ेगा उतना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा क्रिएट होगा। ओके, सो ई इज प्रोपोर्शनल टू वी, वी कैन राइट ई इज प्रोपोर्शनल टू जी टी। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन एज टाइम इंक्रीजेस, जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है ई एम एफ पी वैल्यू बढ़ रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स विल इंक्रीजेस विद टाइम। द ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। दिस वॉज अवर लास्ट क्वेश्चन विच वी ऑलरेडी सॉल्व। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।